है कि इसराइल ने जो एलईटी लश्कर तैयबा है उसको बैन किया। अब ये 15 साल के बाद आपको पता है कि हो रहा है कि जब मुंबई हमले हुए थे, तो इसकी क्या सिग्निफिकेंस आप देख रहे हैं पाकिस्तान के लिए भी, इंडिया के लिए भी, उन्होंने ऐसा किया, क्यों किया और इस पे क्या असर पड़ सकता है पाकिस्तान का? और दूसरी खबर हमारे पास ये है कि टेस्ला का हमें पता चल रहा है कि अब फैक्ट्री वो इंडिया में लगाने जा रहे हैं, उसकी कुछ डिटेल्स सामने आई है। लेकिन साथ साथ पहले सर, ये जो इसराइल ने ये कदम उठाया है तो पाकिस्तान पे ये इसको कैसे देखेगा? क्योंकि आपको पता है कि जाहिर है कि जब मुंबई हमलों की बात आती है तो उसमें जो कुछ होता रहा उसमें पाकिस्तान, इंडिया और ये सब चलता रहा, तो अब इस वक्त ऐसा कदम उठाना आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि इस वक्त इसराइल के हालात इस वक्त क्या चल रहे हैं और बिलखसूस इसी तनाजर से हम बात करेंगे भारत के साथ। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा जो एक सबसे बड़ा इस वक्त पावर शिफ्ट आ चुका है कि जो मुसलमान मुल्कों के जो सारे वज़राए खारजा थे वो सारे बीजिंग में इकट्ठे हुए। और इससे पहले ये बताना चाहूंगा ये इस तरह की मीटिंग्स पहले कैंप डेविड में हुआ करती थी, और उसके बाद ये बात थी सबसे बड़ी कि इससे पहले ईरान और सऊदी अरेबिया के दरमियान जो एग्रीमेंट या जो उनके हालात बेहतर कराए वो भी बीजिंग ने कराए, और उससे पहले प्रेसिडेंट शी अभी पिछले हफ्ते यहां से होकर गए हैं, अमेरिका के दौरे से होकर गए हैं। फिर उसके बाद ना सिर्फ ये बीजिंग में हुआ, बीजिंग से वही लोग भारत चले गए न्यू दिल्ली में, और उसके बाद ब्रिक्स जो है उसने एक बड़े स्ट्रॉन्ग उसमें पोजिशन वो इन्वॉल्व हुआ है हमास के अंदर। फिर इसके अंदर डेवलपमेंट ये हुई है कि अब कतर जो है वो जो कि इसमें सालसी का किरदार अदा कर रहा था, आज ये बात हुई है कि शायद इसमें कोई 5 दिन का वो दरमियान में ब्रेक दी जाए ह्यूमैनिटेरियन बेसिस के ऊपर, और 50 से 100 लोग जो है वो हॉस्टेजेस उनको भी छोड़ा जाए। एक तो मैं इस तनाजर से ये बताना चाहूंगा, और दूसरा एलईटी का जो देना है, अच्छा इस सारे सिलसिले के अंदर जो सारा कुछ हो रहा है दुनिया के अंदर उसमें पाकिस्तान कहीं भी नहीं है। पहले भी आप आइसोलेशन की एक एक्सट्रीम पर पहुंच चुके हैं पहले भी आप, और दूसरा इस वक्त आईएमएफ का जो अगला आपका 72 मिलियन का जो है वो पैकेज वो रिसेंट अभी उन्होंने आपके साथ अप्रूव किया है, और साथ ही आपको दूसरी खुशखबरी आपके इकोनॉमिक मिनिस्टर ने दे दी है कि अगर हालात मौजू हुए तो हम एक और पैकेज लेंगे और मजीद कर्जा लेंगे, और इन सर्कमस्टांसिस में और जब आपके अफगानी जा रहे हैं वहां से और उसके बाद आप बैंकरप्सी के फिर ऑलमोस्ट धाने पर हैं, कोई रोड मैप मौजूद नहीं है, कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और आइसोलेशन है, हर तरफ से धमकियां और धक्के और ठुड्डे हैं, और इन हालात के अंदर एक तो मैं पहले ही तशवीश थी इस बात की कि आप किसी जगह मौजूद किसी टेबल पर आपको इनवाइट नहीं किया जाता, मैं कहता हूं वर्चुअल मीटिंग्स में भी आपको इनवाइट नहीं किया जाता, और इन सर्कमस्टांसिस में एलईटी लश्कर तैयबा को दहशत गर्द ऑर्गेनाइजेशन करार देना भारत की ये एक उनकी आपको उनके जख्म देखें वो जख्मी थे हमेशा, वो आपको ये कहते रहे कि हमें प्रूफ दें एलईटी के खिलाफ हाफिज सईद के साथ ये सारा कुछ करें, आपने नहीं किया, तो ये इससे भारत की फॉरेन पॉलिसी एक स्टेप फर्दर आपके खिलाफ जा चुकी, और आपको मजीद दुनिया में एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि लश्कर तैयबा क्या है, व्हाई यू आर इन लव विद देम, व्हाई यू हैव क्रिएटेड दैट थिंग, व्हाट इज योर स्टैंड इन द वर्ल्ड। तो मेरे ख्याल में ये आपकी पहले तो फॉरेन पॉलिसी मौजूद नहीं है, क्योंकि आपकी पॉलिसी वही होती है जहां से डॉलर मिल रहे होते हैं, डॉलर मिले तो डॉलर दें चाइना वाले तो सी पैक के गीत शुरू कर देते हैं आप, डॉलर ना मिले आपको तो आप अमेरिका को गोले बेचते हैं, अमेरिका वो लेके तो देता है यूक्रेन को, आप उनके साथ डीलें करते हैं, आप उनके साथ लबी डबी होते हैं, आप आईएमएफ के पैकेजेस लेते हैं, तो आप डॉलर बेस आपकी फॉरेन पॉलिसी है। आपको आपका कोई अगर देखा जाए 42% रिपोर्ट आई है आपकी महंगाई है जो वो बढ़ चुकी है, और इलेक्शन आपके पहले हो चुके हैं, आपके नए वजीर आजम जो है वो पूरे पाकिस्तान के अंदर अब अपनी कैबिनेट तश्कील देते फिर रहे हैं, लोगों को वो मिनिस्ट्रियों की वादे कर रहे हैं, चाहे एमक्यूएम हो, चाहे बाप पार्टी हो, चाहे फजलुर रहमान साहब हो, तो आपके इलेक्शन जो होंगे वो इलेक्शन से पहले क्रेडिबिलिटी लूज कर चुके हैं। रोजाना कौम को एंगेज करने के लिए एक नई प्रेस कॉन्फ्रेंस दी जाती है स्पाइसी किस्म की, यही एंटरटेनमेंट है, यही आपकी किस्मत है, इससे आगे आप खुद डिसाइड कर लें कि आज एक जो कल का सबसे बड़ा वाकया था मानिका साहब, जिनकी खुद खुद इज्जत कोई नहीं है अपनी
जिस तरह का उनका ट्रैक रिकॉर्ड है एज ए कस्टम्स में काम करने वाले का, और उन्होंने एक ऐसे बंदे के बारे में किरदार कशी की है जो कि खुद एक प्ले बॉय है और जिसने खुद अपनी जिंदा बच्चे जो है अबैंडन कर रखे हैं। जिस खातून के बारे में उन्होंने बात की जो उनकी बीवी 28 साल की थी, वो 5 बच्चों को छोड़ के 8 साल की बच्ची को छोड़ के किसी के साथ आ गई है, लेकिन लोगों के लिए एंटरटेनिंग है। ये अभी उसकी दूसरी किस्त आएगी आगे, लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बीबी का किसी वक्त अब आना, बीबी पिंकी का, वो उसका आना जरूरी है। फैसल भोडा साहब ने अगले दिन इंकशाफ कर दिया है, 5 औरतें 5 कहानियां पाकिस्तान को किस तरह चलाती रही हैं, जो कि एक एटॉमिक पावर है। और दूसरा, मेरे जैसे बंदे को वॉशिंगटन डीसी में तश्वीश ये है कि ये एक इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा था मानिका साहब की जो इंटरव्यू आया है, क्योंकि पीटीआई को बाहर निकालना है और उसी पीटीआई को 5 साल बाद दोबारा इसी को नला दुला के कप्तान को फिर दोबारा मुर्शद बना के फिर को और नया आर्मी जनरल लेकर आएगा इसको साथ अपने। लेकिन दुख ये है कि जो लोग लेकर आए थे इमरान खान को, उनके बारे में वीडियो क्यों नहीं आ रही हुई? जिसके बारे में नूरानी साहब ने कहा था कि बाजवा साहब की फैमिली के पास 12 अरब रुपए की करप्शन है, उसके बारे में कोई वीडियो क्यों नहीं आ रही? आपके आईएसआई हेड ने टॉप सिटी के मालिक को इतना मारा, उसके सुसर को इतना मारा, चाहे वो धोखेबाज था, फ्रॉडिया था, उसने चाहे ये कब्जा किया था, किसी से छीनी थी ये प्रॉपर्टी, उसके पास क्या अख्तियार था कि उसके घर में घुस के मारता, उसकी चीजें ले जाता, फिर उसको कहता कि मेरे भाई के नाम ये लगवाओ जो पटवारी है खुद, उसके बारे में क्यों वीडियो कोई क्यों नहीं निकल रही बाहर? क्या वजह है? उसे सारे लोग दूध के धुले, कोई जज आपका, आपके 2 जजों के बारे में तो अभी तक एलिगेशन चल रही है कि फ्रॉडी है, उनके पास करप्शन के चार्जेस है, उनकी वीडियो कोई नहीं आती है बिल्कुल। और ये वीडियो टीटीपी वालों की क्यों नहीं बनाते ये? और ये उनकी काले क्यों नहीं निकालते ये? जो घर में घुस के आपको मार रहे हैं, जो मस्जिदों में बम मार रहे हैं, उनके बारे में क्यों नहीं कुछ बनाते करते? गैरिजन स्टेट है, मैं ये समझता हूं कि गैरिजन स्टेट है, मैं मानता हूं इस बात का, और मैं क्या मानू, 25 करोड़ लोग जानते हैं कि गैरिजन स्टेट है, और जिस तरीके से ऑपरेट किया जा रहा है अपने मुल्क को ही आप देख रहे हैं आप, और उसका रिजल्ट जो है वो यही है कि आप यू आर इन कंप्लीट आइसोलेशन, डिनायल एंड सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड। और इसके ऊपर एक आखिरी इसमें कंक्लूड कर इस टॉपिक को कंक्लूड करने के लिए ये कहूंगा, शब्बर जैदी साहब ने अगले दिन 2 हफ्ते पहले अपने किसी ब्लॉगर के साथ बैठ के उन्होंने कहा कि आपका $200 बिलियन फॉरेन एसेट्स में बाहर पड़ा है, $200 बिलियन पाकिस्तानियों का, और इन्हीं सर्कमस्टांसिस में अभी आपने जहाज में बिठा के मलिक रियाज को दुबई भेज दिया, और इसी एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी चीफ जस्टिस पंजाब के लड़के का नाम ECL से निकाल दिया। तो दर हकीकत, और आपका क्या ख्याल है कि आपको सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि आप यह समझते हैं कि दुनिया के हर इंसान नाक में रोटियां डालता है, नाक में, यही आपकी गलतफहमी। तो साजी साहब, ये सर इसमें एक पॉइंट में आपसे और डिस्कस करना चाहूंगी कि ये जो उन्होंने ये स्टेप उठाया इसमें, क्योंकि अब इसराइल खुद भी हमास ने दहशतगर्दी का हमला वहां पे एक उसी तरह का बॉर्डर से एंटर होके और उन्होंने वो वाला हमला किया, और इंडिया के साथ जो हुआ था वो भी बॉर्डर के जरिए, तो ये एक तरीके से वो है कि क्योंकि अब उनके ऊपर दहशतगर्दी का हमला हुआ है तो वो अब इसको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, और वो ये कह रहे हैं कि हम जो है वो ट्रिब्यूट भी उन्होंने पेश किया, तो इसको ऐसे देखना चाहिए। और इंडिया की इस सिलसिले में अब क्योंकि अब एनिवर्सरी है ये उसकी, 15 साल हो गए, तो अब उनको और भी ज्यादा कहने को मिल जाएगा। नहीं, उनको मिलेगा। दूसरा आलिया, मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि उनकी एनिवर्सरी पे एक वजह ये भी थी कि वो आपके जो लोग वहां पे गए थे मारने के लिए उस वक्त मुंबई हमलों में, उन्होंने वहां पे जाके सिनेगॉग में भी घुसे थे, उन्होंने जो मरने वाले थे उनमें कई यहूदी मौजूद थे, और दूसरा उसमें जो सबसे बड़ी बात, एक और बात आपको यहाँ आलिया मैं बताना चाहूंगा कि अभी ये जो फलस्तीन में जो कुछ हुआ है, जो इसराइल के अंदर हुआ है, इसके बाद आगे दुनिया में मजीद चेंजेस आएंगी। मैं आपको ये बताना चाहूंगा खासकर कि जिस तरह मैं अगले दिन किसी जगह पे एक ब्लॉगर से सुन रहा था बात, उन्होंने कहा था दुनिया की इकॉनमी में से न्यूयॉर्क नहीं निकाला जा सकता, उसका इशारा वॉल स्ट्रीट की तरफ था, और उन्होंने कहा था न्यूयॉर्क की दुनिया की इकॉनमी में से न्यूयॉर्क को नहीं निकाला जा सकता, और न्यूयॉर्क में से ज्यूइश कम्युनिटी को नहीं निकाला जा सकता। इट मींस कि अभी तक दुनिया के अंदर जो कुछ भी है
उसके अंदर उनका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है। तो दूसरा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आएगा, पहले सितंबर 11 हुआ था यहाँ पे, उसके रिएक्शन में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ये आया था कि इराक को तबाह कर दिया गया था, लीबिया को तबाह कर दिया गया था, फिर अफगानिस्तान तो वैसे ही वो यूज टू है, वहां पे तो सारा, वहां तो बम, जब बम फटते हैं तो वो उसके बाद कबाड़ का कारोबार शुरू कर देते हैं, उनके तो हालात और हैं, वो तो आज का नहीं है, वो तो उनको, वो तो आदतन मजबूर है, वो ना वो इकट्ठे रह सकते, वो बाहर जंग ना करें तो एक दूसरे को मारना शुरू कर देते हैं, उनकी तो एक हिस्ट्री अलग है। लेकिन सर, जी सर, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से इसी के दौरान जो खबर है वो ये है कि जो हमारे वजीर आजम है उन्होंने एयरफोर्स की पासिंग आउट परेड की तकरीब थी जिसमें उन्होंने कहा कि मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल के बगैर खत्ते में पायदार अमन का क्याम मुमकिन नहीं। तो सर वो हमारी जो एक वो रिकॉर्ड है वो लटका हुआ है कश्मीर के मसले पर, और जो बाकी इतना बहुत कुछ हो रहा है उस पर हमारी नजर नहीं है। नहीं नहीं बिल्कुल, देखिए दो चीजें आप ये जेहन में रखें बात, एक तो वो मौका कौन सा था जहां वो खड़े थे, और जिस मुल्क के अंदर खड़े थे वो गैरिजन स्टेट, हालांकि उनका पोर्टफोलियो नहीं है ये बात करने का, मोहतरम जो है उनका नाम घड़े से निकला है, वो तो ना इलेक्टेड है ना सिलेक्टेड भी पूरे नहीं है, और वो जो जिस तरह के क्वेश्चन कर रहे हैं वो अजीब सी बात, कोई आर्मी जनरल वहां कह देता बात तो अलग बात थी, क्योंकि उनका पोर्टफोलियो है ये, उनके डिफेंस के गैरिजन स्टेट के उनके हिस्से में आता है, कॉन्फ्लिक्ट की चीजों या जो इश्यूज है उनके बारे में बात करते, ये मोहतरम का ये हक ही नहीं बनता। ये तो ये बताते हैं कि बैलेट कहां से प्रिंट करवा रहे हैं, मोरे लगाने के लिए आपके पास स्याही मौजूद है या नहीं मौजूद है, तो इस पे बात करते अच्छे लगते थे ये, तो ये इस तरह के। अच्छा मैंने इनकी कई प्रेस कॉन्फ्रेंसें सुनी है, इनको सिर्फ इसलिए पिक किया गया कि इंग्लिश अच्छी बोल लेते हैं, हमारे जो जिन्होंने सिलेक्टर्स थे उन्होंने पिक किया था कि इस दौरान में हमारे 90 डेज के पीरियड में इनके अगर IMF आ जाता तो कोई बंदा सामने खड़ा होकर उनसे हेलो हाय कर सके, इससे अलावा इससे आगे हमारा वो जो PM साहब है इट डजंट हैव दैट लेवरेज। मैटर ऑफ फैक्ट और मैं यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि मुझे किसी बावसूख जाय से मुबैना तौर पे ये पता चला है कि मौसूफ के पास अफगानी पासपोर्ट था कुछ अर्सा पहले, ये भी एक बात है। और जी और दूसरा ये है कि चले देखिये मेरा मादर मिल्लत है, मैं अगर आपको बताऊं कि जू जू मैं वो कहते जू जू पढ़ते गए दर्द बढ़ता गया, मैं जू जू मजीद सब कॉन्टिनेंट को एक्सप्लोर करता हूँ दर्द बढ़ता जाता है, पाकिस्तान को ज्यादा पढ़ता जाता हूं दर्द बढ़ता जाता है। जो पहला डेलीगेशन यहाँ पे आया था 1947 में, हमारे जिना मोहम्मद अली जिना साहब कायद आजम साहब जिंदा थे, तो जो उनको लीड कर रहा था उनका नाम लायक था, बहावलपुर से थे वो, उनको इसलिए भेजा गया था उस डेलीगेशन का हेड बना के कि ही हैड अ गुड रिलेशनशिप विद अमेरिका, तो उन्होंने यहाँ पे आके $2 बिलियन का कर्जा मांगा था। तो उस दिन के बाद फिर हम रुके नहीं, उसके बाद हमने आज भी वहीं खड़े हैं। दूसरी अर्ज बात करना चाहूंगा, कई दफा मैंने कई एसेज पढ़े हैं कि भारत के अंदर मार्शल लॉ क्यों नहीं लगा, भारत तरक्कियां क्यों हो रही है, दो चीजें थी, क्लैरिफाई उन्होंने कर दिया था 1947 में कि उन्होंने जो थे नेहरू थे उन्होंने पावर वाली पोजिशन डिसीजन मेकिंग सारी खुद रखी थी, हमारे कायदे आजम साहब ने सबसे बड़ी गलती यही की थी, खुद पोजिशन ले ली थी गवर्नर जनरल की जो सेरेमोनियल थी, और सारी पावर जो थी वो उन्होंने लियाकत अली खान साहब को दे दी थी, और उसके बाद आप आज भी वहीं खड़े हैं, आपको ये नहीं पता आइदर पार्लियामेंट्री सिस्टम इज गुड फॉर यू और प्रेसिडेंशियल सिस्टम इज गुड फॉर यू। इन द मीन टाइम अयूब खान साहब ने एक जस्टिस शहाबुद्दीन जो मेरे मोहतरम जिस तरह के जज हैं जिन्होंने नजरिया जरूरत भी पेश किया, जिन्होंने कई मार्शल लॉ के नीचे फौजियों के नीचे सामने सर नगू रहे, जो जस्टिस शहाबुद्दीन थे उनका उनको सिर्फ एक ड्यूटी दी गई थी कि वो ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाए जिसमें सारा इख्तदार अयूब खान के पास हो, वो डिलीवर किया गया था। और आज भी इमरान खान साहब जो थे अगर कुछ घंटे कुछ साल कुछ महीने रह जाते तो 18वीं तरमीम खत्म कर जानी थी। जी बिल्कुल, खलीफा आ जाता हमारे पास। आज भी आप वही खड़े हैं जहां 1947 में खड़े थे, दुख वाली बात। और सारे साहब हम वहीं पर खड़े हैं जहां पर 1947 में खड़े थे, जबकि इंडिया जो है वो वहां पर पहुंच चुका है कि अब टेस्ला की फैक्ट्री लगने जा रही है इंडिया में, खबर उसकी डिटेल्स अब सामने आई है, और विद इन 2 ईयर्स जो है वो प्लांट लगेगा टैक्सी वो उसकी लगेगी फैक्ट्री, और इसमें यह है कि उसकी डिटेल सामने आ रही है, एग्रीमेंट जो है डील ऑलमोस्ट जो है वो फाइनल हो चुकी है। तो साजी साहब एक तो इस पे आप फरमाइएगा, उसी के साथ जो इससे मिलती जुलती मैं खबर देख रही थी कि तोरखम पर कार्गो गाड़ियों के ड्राइवर्स के लिए भी वीजा पासपोर्ट की शर्त लाजिम,
तो हमारे तो यहाँ पर तोरखम बॉर्डर की गाड़ियां जो आ जा रही है उनके लिए पासपोर्ट, जबकि उधर से दूसरे अमेरिका से जो है वो टेस्ला उठ के जा रही है इंडिया में। कितना बड़ा गैप और ये क्या है? देखिए उसमें आप तो टेस्ला की बात कर रही हैं, टेस्ला बिल्कुल, बल्कि मैं पिछले दिनों मैंने ऑब्जर्व किया था कि उनके ट्रेड मिनिस्टर जो थे वो यहाँ अमेरिका आए, वो टेस्ला की जाके, और टेस्ला मुसलसल नेगोशिएट करता रहा है। टेस्ला ने पिछले दिनों में टैरिफ अपना जो है अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर नेगोशिएट किया भारतीय गवर्नमेंट के साथ, और उसके बाद ये सारी डीलें चीजें हुई हैं। लेकिन टेस्ला तो एक चीज है ना, वहां पे तो आईफोन बनेंगे, वहां पे सबमरीन्स बनेगी, वहां पे फाइटर जेट्स बनेंगे। आज बल्कि मुझे किसी ने बताया है कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए अपने समुद्रों अपने दरियाओं के ऊपर जो है उनको वहां पे गार्ड बिठाने की जरूरत नहीं है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए कंप्यूटर पिक करेगा कि वो डूब रहा है, ड्रोन जाके वहां पे जाके लाइफ जैकेट ड्रॉप किया करेगा समुद्र में और दरिया के अंदर। लेकिन ये चीजें तो वो कर सकते हैं क्योंकि वो चंद्रयान बना चुके हैं, आदित्य वन बना चुके हैं। और दूसरा आपको बताना चाहूंगा कि पिछले हफ्ते वो खबर किसी ने आर्टिफिशियल न्यूज ठीक नहीं थी, लेकिन उसके बाद क्लैरिफिकेशन थी कि इंडियन इकॉनमी हैज टच द 4 ट्रिलियन डॉलर्स जो सारा किसी ने आईएमएफ के कंप्यूटर से वो तस्वीर खींच कर तो उसको एक एक न्यूज बनाने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद भारत ने उसकी क्लैरिफिकेशन की थी। क्लैरिफिकेशन में उन्होंने बताया था कि आज हम 4 ट्रिलियन इकॉनमी नहीं है, लेकिन हमें कितना अरसा लगेगा 4 ट्रिलियन बनने में। इस वक्त अगला अभी दे आर 5th largest इकॉनमी, लेकिन जो ग्रोथ है इस वक्त उनकी जीडीपी की और इकॉनमी की ग्रोथ इज ट्वाइस लार्जर देन द यूएस। और दूसरा उसमें बताना चाहूंगा अगला टारगेट उनका जापानीज है, जापान को क्रॉस करने के बाद उसके बाद अगला टारगेट उनका जर्मनी की इकॉनमी होगी। और जो मैं एक और भी अर्ज करना चाहूं, उसका सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है, जब आपने $2 बिलियन का कर्जा मांगा था अमेरिका से 1947 में, उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए मदद मांगी थी, और उसके फाउंडर थे नेहरू, जवाहरलाल नेहरू साहब और मौलाना आजाद, और उसी का रिजल्ट आज निकल रहा है। आप मुसलसल 76 साल वेस्ट को पाकिस्तान बेचने की कोशिश करते रहे हैं, आप मुसलसल उनको बावर कराने की कोशिश करते रहे हैं कि रशिया सोशलिस्ट है, जवाहरलाल नेहरू सोशलिस्ट माइंडसेट है, आप हमसे डील करें, वी विल सर्व यू बेटर अगेंस्ट रशिया, हमें वो कहते हैं पैसे दिखाओ, पैसे पैसे। और आज तक मैं समझता हूं कि आपको वही डॉलर आज भी मेरा मुल्क चलाने वाले रात को डेली बेसिस पे डॉलर्स के ख्वाब देखते हैं, डेली बेसिस पे। और यही ज्यादती है पाकिस्तान के साथ कि पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों को हॉस्टेज, सबसे दुनिया मैं समझता हूं पाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लेबर कैंप है, सबसे बड़ा, कि 5 से 10 हजार लोग हैं जो ब्रिटिशर है, जो जेनी तौर पर लंदनियर है, आज भी प्राइम मिनिस्टर लंदन से आया है, उसके बच्चे लंदन में है, उसके दोते पोते लंदन में है, 25 करोड़ लोगों को सिर्फ आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के कर्जों की किस्तें देने के लिए रखा जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा लेबर कैंप पाकिस्तान, सबसे बड़ा, और उनको बार बार कहना कि जिहाद जिहाद जिहाद, जबकि पता है इनका डीएनए जिहाद वाला नहीं है। मैं एक आपसे गुजारिश करना चाहूंगा, जिस जबान मेरी जो मादरी जबान है उस जबान का हिस्सा है, और दिल्ली लूटी गई, उसका कल उसका इतनी दफा पठानों ने दिल्ली लूटी, काबल से चलते थे कोई उनको रस्ते में नहीं रोकता था, सीधे दिल्ली जाते थे, खच्चरों पे हर चीज उठा के दिल्ली से वापस ले जाते थे, कोई रोकता नहीं था उनको रस्ते में, लड़कियां उठा के ले जाते थे काबल में, मंडियां लगाते थे लड़कियों की, कोई उनको रोकता नहीं था। और मेरा ये ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट उनको बार बार खड़ा होकर कहता, ये सियासत नहीं जिहाद है, जिहाद करो, और यार कुछ तरस कर यार, किसी अपने बच्चे तू लंदन पढ़ाता है, माओ के बच्चों को जेलों में पढ़े, इसमें जो दिहाड़ीदार थे वो जेलों में पढ़े, खुद 8 कमरों के साथ जेल में हॉलीडे बना के बैठे हो। जो आपने बात की इसी नोट पर मैं खत्म करना चाहूंगी, बड़ी आपने कुछ इमोशनल जो है वो भी इसमें टच आया है कि जिस तरीके से आपने बात की है, और क्योंकि दिल्ली की बात हो रही है तो ये जो आपने कहा, तो मीर तकी मीर ने उसी के ऊपर कहा था कि दिल्ली जो एक शहर था आलम में रोजगार, रहने वाले हैं हम उसी उजड़े दयार के। तो ये जो आपने बयान किया, ये तो बार बार कई एक मरतबा उजड़े हैं दयार। एक जरूर एंड पे बात, आलिया आई एम सो ग्लैड कि इंडिया इज विनिंग द गेम, इंडिया दुनिया से इंतकाम ले रहा है कि जिस तरीके से वहां उनके साथ मेरे अबाओ इजाद के साथ जलालत करते रहे ये लोग काबल वाले आके, किस तरीके से इन्होंने बिहेव किया। मैं बल्कि किसी वक्त आपके साथ प्रोग्राम करना चाहूंगा, मैं रिसेंटली चनकिया सिविलाइजेशन
नंदा सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ता रहूं, अशोका सिविलाइजेशन, गुप्ता सिविलाइजेशन पढ़ी है, चाणक्य ने यहां किताबें लिखी थी अर्थ संस्था 1300 साल पहले।